बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहले बताया भी था आपको कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उससे कोई एनिमेशन क्रिएट करें, तो कर्व एडिटर भी एनिमेशन क्रिएट करता है। सारे ऑप्शंस ये हैं, टाइम लाइन ही का व्यू है। देखिए एक तरह से ये देखिए, इसके अंदर प्लेहेड भी मौजूद है और एक्स वाई जेड देखिए बता रहा है, पोजिशन पे काम करना चाहें तो एक्स वाई जेड, रोटेशन पे काम करना चाहें तो एक्स वाई जेड। इसके अलावा देखिए हमारे पास यहाँ बहुत अट्रैक्टिव किस्म के एडवांटेजेस हैं, देखिए नोट करें गौर से। अब मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कि ये सब जो ऑप्शन दिए थे ईजिंग कंट्रोल कराते हैं, या आप हैंडल लॉक करना चाहें तो लॉक सिलेक्शन कर लें, की देखना चाहें देखिए की नजर आ रही बनी हुई, स्नैपिंग ऑन करना चाहें स्नैपिंग ऑन कर लें, आउट ऑफ रेंज जो बताया था मैंने आपको, की लाना चाहें ड्राइंग बनाना चाहें और की फ्रेम्स को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कराना चाहें, देखिए की स्लाइड है और उसके साथ की स्केल दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, की लाना हो तो ऐड कीज का ऑप्शन है, स्लाइड कीज के साथ ऐड कीज ये रहता है कि सॉरी ऐड कीज का ऑप्शन। अब जैसे हमें की चाहिए देखें, क्लिक करेंगे आप यहाँ ऑटो की पे देखें, क्लिक करके हमने कहा भाई हमें जो है ना यहाँ इसकी लाइन पर एक्स पे काम कर रहे थे, एक्स पे देखिए हमने कहा हमें यहाँ एक की चाहिए, नीचे की आ गया, फिर हमने कहा हमें एक्स पे एक की यहाँ भी चाहिए, हमें एक्स पे एक की यहाँ भी चाहिए, हमें एक्स पे एक की यहाँ भी चाहिए, एक्स पे एक की यहाँ भी चाहिए। अब देखें दूसरा जो ऑप्शन है वो की सिलेक्शन के नाम से मूव की है, अब इसको सिलेक्ट किया, हमें पूछ रहा है एक्स पे कितना मूव कराएंगे आप, यहाँ देखिए हमने कहा इतना मूव कराएंगे, यहाँ देखें कितना मूव कराएंगे, हमने कहा इतना मूव कराएंगे, उस पर आप रुकेंगे कितनी देर, देखेंगे ये एक्सेलरेशन कहलाता है, देखिए नोट करेगा ये ईजिंग, सॉरी ईजिंग कहलाता है, देखें इस तरह नोट करें। अब देखिए नीचे देखिए एनिमेशन बनी, ये देखें, ये देखें नोट करेगा उससे एक्स में है ना। अगर हम चाहते हैं कि एक्स के साथ वाई को भी एक्टिव कर दें तो आप देखें वाई पे भी गए और एड की मदद से हमने कहा हम चाहते हैं कि वाई पे भी देखें एक की यहाँ होगी, वाई पे एक की यहाँ होगी, वाई पे एक की यहाँ होगी, वाई पे एक की यहाँ होगी और वाई पे एक की यहाँ होगी, और उसके बाद हम चाहते हैं कि पोजिशन या मूव की बटन की मदद से एक में देखें की में यहाँ आएगा वो, और एक की भी देखिए नेगेटिव यहाँ आएगा। अब देखिए नोट करेंगे उससे वाई की मूवमेंट, देखिए ये देखिए एक्स के साथ साथ एक्स देखिए आगे भी बढ़ रहा है इधर भी आ रहा, आगे भी बढ़ रहा है इधर भी आ रहा है, इस तरह एक्स और वाई को मिला दिया आपने, जेड भी मिलाना चाहें देखिए हम जेड में आ गए, हमने कहा हम चाहते हैं जेड में भी एक की यहाँ होगी, एक की यहाँ होगी, एक की यहाँ होगी। आर जी बी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड एक्स के लिए और ग्रीन वाई के लिए और ब्लू जेड के लिए। फिर देखिए आप मूव पे आ गए, हमने कहा भाई हम चाहते हैं कि हम यहाँ से देखेंगे बिल्कुल आगे तक ले जाएं जेड पे, देखें जेड की बात करें, अब देखिए मूव करेंगे एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व हो गए, इन तीनों को अगर आप देखना चाहें शिफ्ट दबा के देखें सिलेक्ट करें तो एक्स वाई जेड तीनों के तीनों का प्रीव्यू दिखा रहा है, आप जूम आउट करके देख लें इनका प्रीव्यू, देखें नोट करेंगे और से इनके प्रीव्यू आपके सामने देखें इस टाइम मौजूद है, आप करीब कर लें दूर कर लें, आप एक्स वाई और जेड तीनों का प्रीव्यू लें, देखिए नोट करेंगे और से हैंड टूल है हमारे पास बाकी हिस्सों को देखने के लिए, आउट ऑफ रेंज का ऑप्शन है हमारे पास एनिमेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सब एडवांटेजेज हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसी तरह से देखें Z की अपनी क्वालिटी है और एक Y की अपनी क्वालिटी है और X की अपनी क्वालिटीज है, ये कर्व की मदद से आपने, कर्व एडिटर की मदद से आपने एनिमेशन बनाने की कोशिश की। अगर हमें ये कीज नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसकी जितनी भी कीज है सारी की सारी सिलेक्ट करें डिलीट कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद की बनाए तो यहाँ पे देखें ड्राइंग का ऑप्शन भी दिया उसने, ड्राइंग की देखें हमने कहा यहाँ से वहाँ जाए वहाँ जाए वहाँ जाए ये यहाँ के खत्म, अब देखना होगा कितनी ज्यादा कीज उसने बना के दी। अगर आप प्ले करेंगे तो मानते हैं कि एनिमेशन तो है लेकिन बहुत टफ एनिमेशन है, तो ये टफ एनिमेशन जो बनाई आपने ये किस किसके जरिए बनाई हमने, ड्रॉ कर्व की मदद से, किसकी मदद से, ड्रॉ कर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करें, इसको भी